नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, तो आने वाली 25,000 कांस्टेबल वैकेंसी प्लस यूपीएसआई की आने वाली जो परीक्षा है उसके संबंध में क्या कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, एक लाइव बयान आप लोगों को हम सुनाएंगे, तो सुनिए जरा ध्यान से। प्रक्रिया हमने प्रारंभ कर दी है। इस वर्ष हमारी लगभग 47,000 भर्तियां होंगी पुलिस और सब इंस्पेक्टर की, एकदम पारदर्शी तरीके से होंगी, किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। ये कार्य हम लोग प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से होने जा रही है। पिछली सरकारों ने जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी उसमें भारी गड़बड़ियां थी, सुप्रीम कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी। हम लोगों ने नए शपथ पत्र के साथ हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने हमें अनुमति दी है, हम उसके अनुसार प्रदेश के अंदर उसको लागू कर दिए हैं। एकदम पारदर्शी तरीके से होंगी, किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं मिलेगा। ये कार्य हम लोग प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं। विभिन्न विभागों में भी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से होने जा रही है। तो आप लोगों ने सुना होगा यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, आने वाले समय में कितनी वैकेंसी वो पूरी करना चाहते हैं, क्या टारगेट है 2021 का। ठीक है, तो भाई 47,000 के समथिंग में पोस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बता रहे हैं भाई इसके समथिंग में होगी। और यूपी पुलिस की वैकेंसी भी आप लोगों को पता होगा कि 25,000 पदों पर अलाउंस हो गया है, वहीं 25,000 के समथिंग में पदों पर होमगार्ड की वैकेंसी का अलाउंस भी हो गया है, और 9,534 ये यूपीएसआई की वैकेंसी है। तो इस प्रकार से मिलाकर कुल 47,000 पोस्ट बताई जा रही हैं, इसमें प्लस ही होंगी, ठीक है, माइनस होना मुश्किल है। तो ये योगी आदित्यनाथ का लाइव बयान था।